अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ही प्रशासन के साथ टकराव के रास्ते पर चल पड़े हैं। ट्रंप ने इमिग्रेशन फैसले का बचाव नहीं करने पर अटॉर्नी जनरल सैली येट्स को बर्खास्त कर दिया है। दरअसल सैली ने 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों को वीजा नहीं देने के ट्रंप के फैसले पर सवाल उठाए थे। उन्होंने न्याय विभाग के अटॉर्नियों को ट्रंप के विवादित इमिग्रेशन आदेश का बचाव नहीं करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही फैसले को कानून के हिसाब से जांचने की जरूरत बताई थी, जिसके बाद व्हाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया और कहा गया कि येट्स ने ट्रंप प्रशासन का भरोसा तोड़ा है। येट्स को इस बात का यकीन नहीं था कि ट्रंप का आदेश नियमों के मुताबिक है, और इसके बाद सैली येट्स को अटॉर्नी जनरल के पद से बर्खास्त कर दिया। बराक ओबामा के प्रशासन में येट्स की नियुक्ति की गई थी। फिलहाल येट्स की जगह पर डाना बेंट को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा का हवाला देते हुए 7 मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसकी दुनिया भर में निंदा हो रही है। हालांकि अमेरिका में इस फैसले के विरोध को देखते हुए अदालत ने फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी है। सैली येट्स इकलौती ऐसी अधिकारी नहीं है जिन पर ट्रंप की गाज गिरी है। इससे पहले प्रवासी और सीमा शुल्क प्रवर्तन विभाग के निदेशक डेनियल रैंक्सडेल को भी निष्कासित किया जा चुका है। फिलहाल ये देखना बाकी है कि ट्रंप इमिग्रेशन फैसले का बचाव करते हुए और कितने लोगों को बर्खास्त करेंगे। देखते रहिए डीबी लाइव।